नेक्स्ट बोलो, कॉपी कर लो, नेक्स्ट बोलो। देखो, द पीपल हु आर नॉट नॉट आस्किंग डाउट्स, आई एम एज्यूमिंग कि आपको डाउट, आपको क्लियर है चीजें, ठीक है। सर थोड़ा एक्सक्यूज वाला देखिए। ये हो गया 10th वाला। हाँ सर 11th वाला भी बताओ। मैं हाँ मैं सब दो दो को बता दूंगा। मैं सर 11th भी। हो गया सर। रब करें इसको, ठीक है। नेक्स्ट बोलो सर 11th। 11th 11th वाला। इलेवेंथ वाला। कॉस ए बाई वन माइनस, दो क्वेश्चन है उसमें। पहला क्वेश्चन ये है कि 10 45 प्लस ए बाई टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। 10 45 माइनस ए बाई टू। और वैसे बाय द वे, आप लोग ग्रुप पे डाउट को नहीं पूछ लेते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ओके सर। ठीक है, मैंने आंख में गलती से बाम लगा दिया। चलो ये करते हैं, ठीक है। एनीबडी, किसी का सॉल्व हुआ है क्या, बताओ। यस सर। हाँ बताओ कैसे किया है। वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय टू अपॉन वन प्लस टू टेन ए बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय टू। कॉस ए को हाफ एंगल में चेंज कर दिया इसने, ठीक है। और नीचे वाले साइन ए को भी इसने हाफ एंगल में चेंज कर दिया। मैंने गलती से ना आंख में बहुत ज्यादा बाम लगा दिया, मिस्टेक से। नाउ इट इज पेनिंग बहुत ज्यादा। सर आग धो दीजिए। अरे पागल, बाम लगा से आग धोऊंगा तो बहुत ज्यादा फिर वो दिक्कत आती है। कभी चोट पे डिटॉल लगाया है, इतना ज्यादा दर्द करता है। सर तो रुमाल में बर्फ डालो और फिर सेक लो। वही कर रहा हूँ मैं। टू टेन ए बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, ठीक है। अभी इसका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, और नीचे में आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू माइनस टू टेन ए बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू माइनस टू टेन ए बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू। इतना क्लियर है तो ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। दिख रहा है ना ये कि क्या लिखा हुआ है, वन माइनस टेन ए बाई टू का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है। यस सर। अभी yes, देखो sir. तो ऊपर ऊपर वाले को लिख सकते हो ना, वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू वन प्लस टेन ए बाई टू, और नीचे में क्या आ जाएगा,
वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू वन माइनस टेन ए बाई टू। बोलो यहां तक क्लियर है? इसको इसको काट दिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, वन प्लस टेन ए बाई टू बाई वन माइनस टेन ए बाई टू। बोलो यहां तक क्लियर है, ठीक है। अभी yes, इस वन को, अभी इस वन को लिख लो टेन फोर्टी फाइव प्लस टेन ए बाई टू वन माइनस टेन फोर्टी फाइव, तो वन ही होता है ना, इसलिए बार बार यूज कर रहा हूं मैं उसको। यहां तक क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, टेन ऑफ फोर्टी फाइव प्लस ए बाई टू। ये एक तरीका है, ये तरीका क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो, सर आपने वो कैसे लिखा वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू, मतलब ये कैसे लिखा कि ये कैसे लिखा? सर वो सेकंड स्टेप में किया है ना आपने ऊपर ये वाला। हाँ सर, फॉर्मूला होता है ना कॉस ए का, कॉस ए का हाफ एंगल क्या होता है? मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले रोज लिखो एक बार। कॉस ए का हाफ एंगल क्या होता है, कॉस ए का हाफ एंगल क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू ना। तुमको अब तक फॉर्मूले याद रहने चाहिए थे। रब करें? नो सर। साइड प्लीज। जब करूं? इसी को दूसरे तरीके से भी करते हैं, ठीक है। देखो, कॉसे को कॉसे रहने दिया, इस वन को लिखा, ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन ए को ब्रेक कर दिया, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है? हेलो एवरीबॉडी, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉस ए को लिखा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी ऊपर में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, और नीचे में लिखा हुआ है कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए बाई टू का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? सर माइनस होगा ना। बढ़िया, माइनस होगा। यहां तक क्लियर है सर? यस सर। अभी बताओ क्या करेंगे, ऊपर में वापस से। Now what shall I do? In the numerator, again I will write
a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड इन डिनोमिनेटर आई विल ऑल्सो राइट कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू का होल स्क्वायर. बोलो यहां तक क्लियर है? सो आपके पास क्या आ गया बताओ? कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू. बोलो नीचे में क्या आ गया? कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू. यहां तक क्लियर है? यस सर. नाउ कॉस a बाई टू को बाहर निकाल लो. कॉस a बाई टू को ऊपर से और नीचे से बाहर निकाल लो तो क्या बन जाएगा? कॉस a बाई टू जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन a बाई टू बाई कॉस a बाई टू ना. बोलो. यस सर. यस. तो क्या लिखा हुआ है? तो क्या लिखा रहेगा यहां बताओ? वन प्लस टेन ए बाई टू बाई वन माइनस टेन ए बाई टू. बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यस सर. अभी वापस से वन को क्या लिख सकते हो? टेन फोर्टी फाइव प्लस टेन ए बाई टू. बोलो वन माइनस टेन फोर्टी फाइव इंटू टेन ए बाई टू. बोलो क्लियर है? यस सर. सो नाउ व्हाट शैल यू गेट? क्या मिल गया आपको? टेन फोर्टी फाइव प्लस ए बाई टू. बोलो क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. ठीक है. दिस इज अनदर वे. ठीक है, कॉपी करो. सर लास्ट के दो स्टेप बताना. कौन सा? यहाँ सर उसके बाद वाला. वन को 1045 लिखा. ओके ओके सर. और यहाँ पर भी वन था. वही जो जो चीज उसमें करी वही चीज इसमें करी है. हाँ सर. ठीक है. रब करें. नेक्स्ट डाउट बोलो. 13 14. अरे तुम लोग इतना क्लास में बकबक करते हो, क्वेश्चन नहीं बन रहे तुम लोगों से. हाँ, किसी ने 12th भी पूछा है. आकांक्षा 12th बना है बेटा? आकांक्षा ठीक है. ट्वेल्थ sec 8a माइनस वन बाई sec 4a माइनस वन. ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसको? एक्चुअली मुझे ना एक बार में 1 से 41 मैंने किसी बैच में डिस्कस नहीं किया, तुम्हारे यहाँ फालतू में दे दिया मैंने 1 से 41. मैं आज ना 1 से 20 करूंगा और वापस तुम लोग को मौका दूंगा 20 से 41 करने का. एक बार में करने का मतलब नहीं बनता, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा. टेन एट ए बाई टेन टू है, तुम सीखोगे कैसे फिर? हाँ, sec 8 ए माइनस वन बाई sec 4 ए माइनस वन. ठीक है, तो बताओ
कैसे प्रोसीड करें? सेक को कॉस में कर दो, तुम्हारा आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस 8a बाई 1 माइनस कॉस 4a इंटू 1 बाई कॉस 8a इंटू कॉस 4a। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब क्या करें? 1 माइनस कॉस 8a को क्या लिखें बताओ? तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया? कोई फॉर्मूला नहीं, सेक का मतलब उल्टा कॉस होता है ना। हाँ सर, समझा। अबे सेक का मतलब उल्टा कॉस नहीं मालूम है? अरे बोलो। हाँ सर मालूम है। एलसीएम लो, 1 माइनस कॉस 8a 1 माइनस कॉस 4a इंटू कॉस 4a बाई कॉस 8a। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी 1 माइनस कॉस 8a को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर 4a। और 1 माइनस कॉस 4a को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर 2a। बोलो, इतना क्लियर है? हाफ एंगल, हाफ एंगल, हाफ एंगल, हाफ एंगल, कॉस 4a बाई कॉस 8a। यहां तक क्लियर है? अभी 2 और 2 काट दिया और साइन 4a को ऐसे ही रखा, एक साइन 4a को इधर ले गया। कुछ दिख रहा है क्या होता हुआ? किसी को कुछ भी दिख रहा है? बताओ अगला स्टेप, टेल मी नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ। साईराज, व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप? साईराज, 2 sin 4a 2 sin 2 2 दे दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? साइन 4a बाई 2 sin square 2a। अभी 2 sin 4a cos 4a क्या बन जाएगा? 2 sin 8a बाई cos 8a क्या बन जाएगा? ये tan 8a। ठीक है, और sin 4a को क्या लिख सकते हैं? वापस से ब्रेक कर सकते हैं ना, किसमें? 2 sin 2a cos 2a बाई 2 sin square 2a। बोलो भाई, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टू और टू कट गया और ये कट गया है ना, तो क्या बच गया बताओ? tan 8a बाई tan 2a। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। डिनोमिनेटर का 2 कट हो गया था ना ऊपर? हाँ कट हो गया। रब करें सर, एक मिनट साइड थोड़ा। प्लीज इसका जो भी डाउट है सॉल्व पूछो, ठीक है? मैंने बाकी दो बैच में भी डिस्कस किया है, AP1 AC1 में। अब तक तुम लोग को मेरे से डर लगना या नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब यू शुड बिकम एक्सट्रोवर्ट बाय नाउ, या डाउट पूछा करो। रब करे। हाँ सर।
सो नेक्स्ट बोलो बारह नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है कोई थर्टीन बोल रहा था अरे हेलो कोई आवाज क्या हो गया बस तुम लोग तो हमेशा बोलते रहते हो ना क्या हो गया आज तो कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है यस सर यस सर तो ये तो सीधा है डायरेक्ट को ये तो डाउट नहीं होना चाहिए तो सीधा बनना चाहिए देखो ये सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है ना वन माइनस टेन स्क्वायर ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ cos 2a cos 2a का फॉर्मूला है ना तो क्या लिखा हुआ है वन बाई cos ट्वाइस 45 माइनस a जो कितना हो जाएगा वन बाई cos 90 माइनस 2a जो कितना हो जाएगा वन बाई sin 2a जो कितना हो जाएगा कोसेक 2a ये क्लियर है क्या हाँ सर सर थोड़ा सा राइट में हाँ हाँ सर स्क्रीन को ये मतलब जा स्क्रीन तो पूरा दिख ही रही नहीं दिख रही क्या पूरी अच्छा सॉरी अभी दिखेगा है ना Yes. नेक्स्ट बोलो रैप करें इसको हाँ सर यार मुझे ना जोश नहीं दिख रहा है आपके क्लास आज तक वैसे तुम लोग काफी ज्यादा बोलते रहते हो मैं बाकी बैठ के बोलता हूँ तुम्हारे बैठ में ज्यादा मजा आता है मुझे बैठ तुम लोग सब चुप हो गए हो पता नहीं क्यों नेक्स्ट बोलो चलो नेक्स्ट बोलो सर 15 जो भी डाउट है ना पूछो मैं एक भी डाउट में कुछ नहीं डांटने वाला हूं तुम पूछो बस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी इज इक्वल्स टू टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ऑफ ए प्लस बी ठीक है तो yes, sir. वो क्या कर सकते हैं एक तो मुझे वो फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस हाँ साइन ए माइनस बी और ये साइन ए प्लस बी ठीक है और यहां पर टू दे दिया एक एक्स्ट्रा तो ये लिखा हुआ है टू साइन ए कॉस ए माइनस टू साइन बी कॉस बी बोलो ये दिखता है क्या हाँ सर ठीक है अब बताओ ऊपर को वैसे ही छोड़ दो नीचे में टू साइन साइन टू ए माइनस कॉस टू बी माइनस कॉस टू ए साइन टू ए माइनस टू बी माइनस साइन टू बी साइन टू बी माइनस साइन टू बी ठीक है अभी 2 साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा बताओ साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा बोलो सर 2 साइन 2a माइनस 2b a माइनस बी और कॉस a प्लस बी ये और ये कट गया क्या आ गया टेन ऑफ a प्लस बी ये क्लियर है यस yes, ये क्लियर है ना नेक्स्ट बोलो
यस सर. नेक्स्ट 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 बोलो नेक्स्ट. 16 और 18. रैप करूं? यस सर. जब कर दे. यस सर. हाँ सर. कौन सा करना है? 16 टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू टू टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन टू थीटा. ठीक है. तो इसको ब्रेक कर दो ना. वन प्लस टेन थीटा बाई वन माइनस टेन थीटा माइनस वन माइनस टेन थीटा बाई वन प्लस टेन थीटा. ये समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने? हाँ सर. कौन सा फॉर्मूला? टेन ए प्लस टेन ए प्लस बी. हाँ. अभी एलसीएम ले लो. वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा. बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है. तो ऊपर में क्या आ जाएगा? वन वन कट जाएगा, टेन टेन कट जाएगा. ठीक है. हमारे पास ऊपर में क्या बच जाएगा? फोर टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ये क्लियर है? तो ये लिखा हुआ है ना टू टेन टू थीटा. बोलो. ठीक है. हाँ सर. इसका एक और तरीके से देख सकते हैं क्या? देखो तो ये तरीके से देखो सही है क्या? टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा लिखा और ये टेन लिखा हुआ है ना. मैं इसको लिख रहा हूं टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस नहीं, मैं इसको लिख रहा हूं कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस. तुम बताना कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है. बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? सर वीडियो बंद हो गया. सर वीडियो नहीं. सॉरी. हाँ बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? अरे भाई टेन थीटा को. हाँ सर सही है. टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो? लिख सकते. लिख सकते हैं ना. तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा. इतना क्लियर है? यस yes, सर. नाउ व्हाट? ये चीज को क्या कर सकते हैं बताओ? टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस कॉट है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ? cot pi by 4 plus theta. हाँ cot pi by 4 plus theta. cot pi by 4 plus theta क्या होगा? 1 by 10. 1 by 10 pi by 4 plus theta. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. अभी अभी क्या होगा बताओ? LCM. 10 square pi by 4 plus theta minus 1 by 10 pi by 4 plus theta. अरे यहां तक क्लियर है? यस सर. यस सर. ये टू दे दिया और ये टू दे दिया. ये कोई फॉर्मूला है क्या? देखो तो. हाँ सर. क्या है? टेन वन बाई टेन टू इंटू पाई बाई फोर प्लस थीटा है ना, जो हो जाएगा टू बाई कॉट टू थीटा. ये माइनस साइन भी आएगा तो अब प्लस हो जाएगा, विच विल बी टू टेन टू थीटा. अरे ये क्लियर है क्या?
कॉपी करो भाई, वो डिनोमिनेटर का बताओ ना। ये देखो ना, ये टू टेन थीटा भाई, ऊपर में क्या लिखा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा है ना। फॉर्मूला तो पता चल गया, क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला पता चल गया, लेकिन हाँ तो फिर क्या दिक्कत है यहाँ पर, इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो माइनस लिखा है माइनस टू, ये टेन ट्वाइस पाई 45 प्लस थीटा, तो क्या लिखा होगा, टेन 90 प्लस टू थीटा, टेन 90 प्लस टू थीटा क्या होता है, टेन 90 प्लस टू थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, हमारे हाँ पास क्या आ जाएगा, टू टेन टू थीटा। सर थोड़ा सा साइड हो देना, हो गया, रब करूं, हेलो, यस सर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री तभी सीख सकते हो व्हेन यू कैन ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन बाय एटलीस्ट टू मेथड्स, ठीक है, एल्स यू विल नॉट लर्न इट। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है सर, 18th वाला। अभी जो किया उससे थोड़ा देखो तो हो सकता है क्या, cot a plus 15 minus tan a minus 15, 4 cos 2a by 1 plus 2 sin 2a, थोड़ा सोचो कैसे करेंगे इसको, बताओ। कुछ कर सकते हैं सर, अगर आरएचएस से आना हो तो cos ना, यहाँ से लेफ्ट से राइट,
ना ना cot को 1 by 10 a plus 15 यहां से यहां हाँ cot को 1 by हाँ किस में बताओ cos एंड sin में कन्वर्ट करके cos एंड sin में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं ठीक है और देखते हैं फिर इसको वन बाय जैसे पहले किसी ने कहा कि सर आप ऐसे कर दो टेन ए प्लस फिफ्टीन माइनस टेन ए माइनस फिफ्टीन ये मुझे कोई खास उतना अच्छा लग नहीं रहा फिलहाल देखने में सर फिर वो tan a plus b और tan a minus b का फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा tan a plus b tan a minus b का ही एक फॉर्मूला दिख रहा है जो हमारे काम का है इस वक्त बाकी मैं यहाँ पर इसको अगर स्टार्टिंग में ही cot tan में चेंज किया होता tan 90 minus a minus 15 75 बन जाता तो फायदा नहीं होता ठीक है cos a plus 15 sin a plus 15 minus sin a minus 15 by cos a minus 15 ये क्लियर है इजरा एलसीएम ले लो क्या बनता है देखो cos a plus 15 cos a minus 15 देखो तो कुछ फायदा हुआ क्या cos a plus b का फॉर्मूला cos a plus b का फॉर्मूला लगा सकते हैं है ना जरा लगाओ cos 2a cos 2a होगा हाँ बट नीचे में तो दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया ना जब भी दो चीज का प्रोडक्ट आए टू से मल्टीप्लाई कर लिया करो तो क्या लिखा हुआ है टू साइन ए प्लस ए माइनस फिफ्टीन बताओ क्या हो जाएगा लैग हो रहा है दो मिनट टाइम दो ठीक हो जाएगा लैग तो नहीं होना चाहिए था ठीक हुआ क्या नहीं ठीक हुआ हो गया सर हो गया ठीक है तो ये और एक कट जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है कॉस टू ए बन जाएगा नीचे बताओ टू साइन ए कॉस बी क्या होता है टू साइन ए कॉस बी कितना होता है बोलो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो साइन ए प्लस बी करोगे अगर तो साइन टू ए आ जाएगा और प्लस साइन ए माइनस बी करोगे साइन थर्टी आ जाएगा ठीक है अभी साइन थर्टी की वैल्यू डाल दो क्लियर है क्या सभी लोगों को क्लियर है न्यूमरेटर पे जो आपने किया ना वो एक बार बताओ सेकंड लास्ट स्टेप पे वो ये वाला हाँ सर हाँ सर cos a plus b cos a minus b कितना होता है cos square a minus sin square b okay sir और sin a minus 15 और sin a plus 15 क्या होता है sin square a minus sin square b है ना okay sir
सर डिनोमिनेटर में भी वैसे ही किया है क्या, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को खोला है? नहीं, फॉर्मूला होता है ना, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। क्या हो गया है, सब भूल गए हो तुम वगैरह, क्या चल रहा है? कल ही तो फॉर्मूला वापस से लिखवाया था सारा मैंने। ये होता है ना फॉर्मूला, कैसे क्या हो गया, भूल गया है सारे फॉर्मूले? ये वाला याद नहीं था सर, बाकी के याद है। क्या नाम क्या तेरा? सर केतन। तेरे को टू साइन ए कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है? शाबाश। सर टू साइन ए कॉस ए का याद है। अबे टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला सेकंड सेट है फॉर्मूला, कैसे बोल सकते हो? हाँ सर, हाँ सर, याद है, याद है। कल जो नौ सेट, जो कल आठ सेट फॉर्मूला लिखा है ना, उसको रोज लिखना चाहिए तुम लोग को। एक रूटीन बना लो, सुबह उठोगे रोज वो दसों फॉर्मूला लिखोगे। नेक्स्ट बोलो। रियान पानी पिला ना। रब करे? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर आपने बोला था 20 तक। हाँ तो 20 तक पूछने दो, अभी तो 18 किया ना, 19 20 19 और 20। यार बस दो ही तुम लोग पूछ रहे, बाकी तुम लोग डाउट नहीं है? क्रिस्टीन डाउट नहीं है तुमको एक भी? नहीं, वो सब लोग बोल रहे हैं तो उसका अंदर ही मेरा डाउट है। 19 और 20 डाउट नहीं है तुम्हारा? हो गया तुम्हारा 19 20? सुरभि? यस सर। सुरभि? यस सर। डाउट नहीं, यू डोंट हैव डाउट इन 19 एंड 20? नो सर, आई डोंट हैव डाउट इन 19 एंड 20। ओके, रूहि? नो सर। यू डिड नॉट गिव द टेस्ट और तुमने टेस्ट दिया था रूहि? नहीं दिया था? दिया था सर। What are the percentage of marks you scored? क्या सर, आवाज नहीं आ रही मुझे। Percentage of marks which you scored? सर 82 I think 82%। Okay, मुझे याद, मैं देखा नहीं है रिजल्ट इसलिए बोला। चलो ठीक है, तो फिर मैं next class कभी है? कल है कि कल है? कब है next class? सर next week। नहीं नहीं, अपन इसको डिस्कस कर देंगे फिर। 20 से 41 आई विल डिस्कस। नोट कर लो अपने नोट्स को, अपने भूलना मत कोई। सब लोग संडे को भूल जाते हो फटाक से। संडे मॉर्निंग 11 से 12, प्लीज डोंट मिस द क्लास। डिस्कस कर लेना इसको संडे को। संडे मॉर्निंग 11 से 12 प्लीज नोट कर लो अपनी अपनी कॉपीज में, भूलना मत कोई। ओके सर। क्योंकि दो बार संडे को क्लास रखी है एंड आई हैव अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट यू ऑल कि संडे को सब लोग गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अपन. सॉल्व करो. देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय टू. सॉल्व इट. सॉल्व करो. कॉपी पहले नोट्स में सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लो.
सर सर आपका माइक बंद है, आपका म्यूट है। हाँ बोलो सर। नहीं वही बोलने का कि वीडियो स्टॉप हो गया। अरे हुआ क्या, पहला हुआ? नहीं सर। क्वेश्चंस कॉपी कर लिए सारे? हाँ। अरे सब लोगों ने सारे क्वेश्चंस कॉपी कर लिए कि नहीं कर लिए? यस सर कर लिया। मैं रैप कर रहा हूँ क्वेश्चंस, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला नहीं हुआ किसी का भी? सर तीन हो गए मेरे। हो गया सर पहला। कुछ नहीं करना है, सीधा खोलना है बस। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा भाई? सर्वेस कुछ लिखोगे ना खुद से भी यार? तुम्ही को सिर्फ दिक्कत आती है वीडियो से, तुम यूट्यूब वाले में बोलते हो, पता नहीं क्या तुमको दिक्कत आ रही है। तुम शायद चैनल स्विच ही नहीं कर पाते हो, मैं कैसे बताऊं तुमको? अगर बाकी लोग से पूछो एक बार। 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये और ये 1 बन जाएगा, ये और ये 1 बन जाएगा 2। 2 प्लस 2 बाहर लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अभी ये क्या लिखा हुआ है 2? ये कोई फॉर्मूला लिखा है ना? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। 2 बाहर लिया, क्या लिखा है? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है ना।
अभी वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है? यस सर। वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है? टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये क्लियर है? Yes. अरे क्लियर है क्या? वो वन को कॉस जीरो लिख दिया क्या? वन को कॉस जीरो लिख दिया था। ठीक है ना, ऐसे करो। अरे इसने तो कुछ ना, अमर से कोरल है क्या उसके पास? रैप करूं? सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? मैं रैप कर रहा हूं फटाक से, कॉपी करते चलो। रैप करें? एक मिनट। रब करूं? यस सर। चल सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ? कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय टू। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर हाँ प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय टू। बोलो क्या करें वापस से? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां तक क्लियर है? प्लस इसका क्या होगा बताओ? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा वन और ये भी वन, तो क्या आ जाएगा? टू माइनस टू बाहर आ गया और ये क्या लिखा है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या हो जाएगा बताओ? कॉस अल्फा माइनस बीटा। वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अभी वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये क्लियर है क्या? तो वो टू कहां से आया? वो तो कट गए ना चार। कहां कट गया? ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन हुआ, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वापस से वन हुआ तो टू हो गया ना, और टू बाहर निकाल ले तो वन माइनस ये आ गया। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? सर वो लास्ट स्टेप आपने कैसे किया? कौन सा? वो वन माइनस कॉस थीटा को। वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? कल लिखा था ना फॉर्मूला, तुम तो फॉर्मूला याद क्यों नहीं करना चाह रहे हो? वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू ना। यस सर। कल लिखवाया था ना फॉर्मूला वापस से? यस सर। थोड़ा नहीं, बिना फॉर्मूला याद किए नहीं बिना फॉर्मूला याद किए सॉल्व करने का मतलब ही नहीं बन रहा है, कोई फायदा नहीं करेगा, भूल जाओगे बार बार। फॉर्मूले पहले याद करो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? sec a plus tan a plus tan a is equal to 10 45 वो तो बनना चाहिए, वो तो बनना चाहिए, बनाओ। कॉपी कर लिया इसको? यस सर। बनाओ बनाओ सॉल्व करो।
थर्ड क्वेश्चन क्या था बताओ? a plus tan a equal to tan 45 plus a by 2. हुआ कि नहीं हुआ? हो गया. tan 45 plus a कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है. तो कैसे करोगे? 1 by cos a plus sin a by cos a, है ना? 1 plus sin a by cos a. अभी क्या किया बताओ? sin a को tan के टर्म 1 by cos a अलग लिया sin a. 1 by 2 tan a by 2, 1 plus tan square a by 2, 1 minus tan square a by 2 by 1 plus tan square a by 2, है ना? क्या बन जाएगा बताओ? 1 plus tan a by 2 का होल स्क्वायर by 1 minus tan square a by 2, which will be 1 plus tan a by 2 by 1 minus tan a by 2. वापस से 1 को लिख दो, tan 45 plus tan a by 2, 1 minus tan 45 into tan a by 2. ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? tan of 45 plus a by 2. ये क्लियर है क्या? हाँ सर. कॉपी करो. नेक्स्ट कौन सा था? cos 10 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री cos 170 डिग्री. वो तो सॉल्व कर सकते हो, करो उसको. कल बताया था ना उसमें कैसे करते हैं. देखो क्या हो रहा है ना, हो जाएगा वो. देखो थर्ड कॉपी कर लो.
फोर्थ हो गया क्या? हाँ सर जीरो क्या था फोर्थ को? हाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताओ? cos 10 degree cos 10 plus cos 20 ऐसे cos 170 ये तो कल भी बताया था ना आपको, है कि नहीं? पिछली क्लास में भी आपको ये सेम क्वेश्चन कराया था ना मैंने घुमा के, याद है? cos 170 क्या हो जाएगा आपका बताओ? कोई बोलता नहीं आपकी क्लास में. व्हाट विल cos 170 माइनस cos 10 माइनस cos व्हाट विल दिस बिकम माइनस cos 20 माइनस cos 30 ये सब कट जाएंगे ना यहां से, है ना? वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? जीरो. फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? sin raised to 4 pi by 8 plus sin raised to 4 3 pi by 8 plus sin raised to 4 pi by 8 plus 4 10 pi by 8. उसका आंसर कितना आया? 1. नहीं फिर से वही बेवकूफी. sin power by 8 sin power 3 pi by 8 plus sin power 4. come on, I want this answer now. ये कल आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व कराया था. बोलो कितना आ रहा है आंसर? वन थोड़ी ना आएगा सर. जीरो. जीरो हाँ यार, कल भी तुमने जीरो बोला था. क्या कुछ सोचते हो तुम लोग? कैसे जीरो बोल रहे हो? ये एटलीस्ट याद है कल सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था. थ्री बाई टू आएगा ना. कम ऑन यार, सेम क्वेश्चन कल सॉल्व किया था आपको. ये वैल्यू क्या बन जाएगी? फिर आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है एटलीस्ट उसका आप वीडियो तो सुनो वापस से. साइन पावर फाइव एट सॉरी पाई बाई एट और ये कितना है साइन पावर फोर थ्री पाई बाई एट. आपका वैल्यू कितना बन जाएगा? ट्वाइस साइन पावर फोर पाई बाई एट साइन पावर फोर 3 pi by 8. बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर. अभी इसके आगे कल क्या किया था बताओ? cos कन्वर्ट. ये क्या बन जाएगा? cos pi by 2 minus pi by 8 लिखा हुआ है ना, ये है ना? तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? cos raised to 4 pi by 8. cos raised to 4 pi by 8 है ना? और ये कल सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था ना? टू इंटू थ्री बाई फोर. आप लोग को जो क्वेश्चन क्लास में करता हूं वो आपको वापस से वीडियोज में देखना चाहिए, नोट्स में सॉल्व करने चाहिए. और जो लोग जीरो आज बोल रहे हैं वही लोग कल भी जीरो बोले थे. तो क्या सीखे आप कल से आज में? देर मस्ट बी एन आयोटा ऑफ इंक्रीज इन योर नॉलेज एवरी डे. It cannot remain at a constant level. Sir, video नहीं देखा. हेलो सर. हेलो. यस सर. एक मिनट.
तो सुनाई नहीं दे रहा सर आपका वीडियो। हाँ हाँ एक मिनट, मेरे डिवाइस वो दूसरा डिवाइस ऑफ हो गया था। ठीक है हाँ हाँ बोलो, क्लियर है अभी? जो कल पढ़ाया गया था वो आपको पता होना चाहिए ना यार, तो कैसे पढ़ सकते अपन बताओ। जो कल पढ़ाया था आपको वीडियो वापस सुनना चाहिए। ठीक है, एवरी दिन के क्लास का एटलीस्ट मैथ्स का वीडियो आप लोग रोज सुना करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, रैप करें? अरे आवाज आ रही है क्या? हेलो आवाज आ रही है क्या? यस सर, दो मिनट कॉपी करना है थोड़ा साइड। हाँ कॉपी कर लो। तो कल सेम क्वेश्चन किया था, हो गया। नेक्स्ट बोलो। साइन 36 इंटू साइन 72 इंटू साइन 108 इंटू साइन 144। सोचो सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आपने सबने अभी तक जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी नहीं किया है। साइन कौन सा? 36 साइन 72 साइन 108 साइन 144 है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। अरे हेमंग। हाँ सर। सुन ना, जितने तेरे वीडियो थे ना पहले वाले, ठीक है, तो मैं तेरे को अभी अपने चैनल पे ना तेरे को मैनेजर बना दे रहा हूँ मैं, तो उनको ना धीरे धीरे करते करते, मतलब ऐसा नहीं है एक ही दिन में जितने भी तेरे वीडियो सारे इस पे अपलोड कर, बट अपने यहाँ से डाउनलोड करके ना इस वाले चैनल पे डालते जाना धीरे धीरे टाइम के दौरान। ठीक है? ठीक है सर। साइन 36 का वैल्यू कितना होता है? अच्छा होता है कि खराब होता है, मालूम है क्या? नहीं ना अपने वो किसकी किसकी वैल्यू मालूम है बताओ। साइन 18 इज गुड वैल्यू, रूट 5 माइनस 1/4 एंड कॉस 36 इज गुड वैल्यू, रूट 5 प्लस 1/4। ओके सो यहां पे कैसे अप्लाई करें बताओ? हाँ, using that we can try to apply, ठीक है? पहली बात तो सिंप्लीफाई कर लेना इसको। साइन 144 क्या होगा? साइन 36 होगा ना, और साइन 108 क्या होगा? साइन 72। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है अभी भी? अगर ये चमकती है तो क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 36 और साइन स्क्वायर 72। अरे बोलो भाई। हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 72। हाँ बेटा, अभी साइन स्क्वायर 36 तो गंदी वैल्यू है, तो हम अच्छी वैल्यू में चेंज कर देते हैं इसको, है ना? और साइन 72 को 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 ना, साइन 72 को ऐसे। हाँ हाँ सर समझा। अब डाल दो वैल्यू, कॉस ये कितना होता है? कॉस का 36 रूट 5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है ना, और यहां पर क्या लिखा है बताओ? 1 माइनस रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है बताओ, सिंप्लीफाई करने में वैल्यू कितनी आती है? सिंप्लीफाई करके बताओ वैल्यू कितनी आती है?
बोलो ये लास्ट क्वेश्चन था कि इसके बाद भी एक और क्वेश्चन था लास्ट ये लास्ट था ठीक है तो अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है कॉपी करो नेक्स्ट क्लास कभी है संडे संडे कितने बजे है 11 to 12 क्या होमवर्क है 21 to 41 ठीक है बस 20 क्वेश्चन है सब लोग अच्छे से बार बार करके आए इतना क्लियर है यस चलो थैंक यू चलो कर लो सब लोग पहले कॉपी कर लो सो कॉपी कर लिया हाँ सर एक मिनट सर तो sin स्क्वायर 72 को 1 माइनस sin स्क्वायर 18 sin स्क्वायर 72 को ये लिखा cos स्क्वायर 18 ये सही है यस सर अभी cos स्क्वायर 18 क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ठीक है ठीक है कॉपी कर लिया हाँ सर चलो बाय बाय